आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल गुंडरदेही विधानसभा से की गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य रूप से दिल्ली से आए प्रदेश के सह प्रभारी सुरेश कठैत, प्रदेश के संयोजक कोमल हुपिंडी, संगठन मंत्री प्रफुल्ल बैस, उपाध्यक्ष घनश्याम चंद्राकर, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष तेजेंद्र तोड़ेकर, विधानसभा अध्यक्ष विनय गुप्ता, प्रभारी शंकर लाल बंजारे व अन्य सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी सुरेश कठैत ने कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार के काम से अवगत कराया तथा पार्टी की विचारधारा रखी और दिल्ली के कामों को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश संगठन मंत्री प्रफुल्ल बैस के उद्बोधन से कार्यकर्ता अत्यधिक उत्साहित हुए। सम्मेलन में युवाओं को नई जिम्मेदारी दी गई, साथ ही महिला प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में गुंडरदेही विधानसभा यूथ विंग के अध्यक्ष के रूप में खेमेंद्र सेन की नियुक्ति की गई, वहीं महिला प्रकोष्ठ गुंडरदेही के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सविता साहू व उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती सतमुनिया बारले की नियुक्ति की गई। इसके अलावा कई युवाओं को ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम के अंत में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपिंडी ने बताया कि आज से हर दिन पूरे छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं में अलग अलग दिन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी समाप्ति रायपुर में 28 नवंबर को प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन से होगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय उपस्थित होंगे।